मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार, पेज नंबर 29। आप सब भी निकालो पेज नंबर 29। अनुस्वार, अनुस्वार कैसा होता है बच्चों? ऐसा जो कि हमेशा वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, और ये हमेशा स्वर के पीछे की पीछे पीछे चलने के कारण इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। अनुस्वार कैसा होता है बच्चों? ऐसा जो कि हमेशा वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखे हैं, जैसे यहाँ देखो, ल प्लस अनुस्वार प्लस ग प्लस उ की मात्रा प्लस ल, लंगूर। क्या पढ़ेंगे? लंगूर। प प्लस त प्लस अनुस्वार प्लस ग बराबर पतंग। ज प्लस अनुस्वार प्लस ड प्लस आ की मात्रा झंडा। और भी वर्ड दिए, जैसे पंख, अंगूर, जंगल, अंडा, गंजा, डंडा। अंदर, बंदर, हंस, कंठ, संख, पंजा, पंजाब, तंग, दंगल, पंखा, चंचल, बंदूक। जैसे आपने यहाँ देखा कि वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया हुआ है, तो ये बिंदु क्या कहलाता है बच्चों? अनुस्वार। तो आपको बुक के अंदर और आपके वर्ड्स दिए हुए और एक पैराग्राफ भी दिया हुआ है, उसको ठीक से पढ़ना है और उसको समझना है। तो ठीक इसी प्रकार हम पढ़ेंगे चंद्रबिंदु। क्या पढ़ेंगे अभी? चंद्रबिंदु, पेज नंबर 30। क्या पढ़ेंगे? पेज नंबर 30 पे चंद्रबिंदु की मात्रा। चंद्रबिंदु कैसा होता है बच्चों? ऐसा, ये भी वर्ण के ऊपर की ओर लगाया जाता है, तो इसको अलग से किसी वर्ण के बाद में नहीं बोला जाता है, इसको स्वर के साथ में ही बोला जाता है। और चंद्रबिंदु क्या होता है बच्चों? जिसको बोलने में हमें स्वरों के उच्चारण के साथ साथ मुख और नासिका की सहायता की, नासिका मतलब नाक और मुख दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखे, जैसे देखो, ऊ प्लस चंद्रबिंदु प्लस ट बराबर ऊंट, आ प्लस चंद्रबिंदु प्लस ख बराबर आँख, च प्लस आ की मात्रा प्लस द चांद। और भी वर्ड लिखे हुए, जैसे मुंह, दांत, माँ, गांव, चाव, पूछ, कहाँ, आंचल, आँख, पाँव, मूछ, यहाँ, आंगन, कुआ, धुआ, बाया, हंसना, फांसी। ये वर्ड दिए हुए हैं। चंद्रबिंदु भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, ये ऐसा होता है। तो इन वर्णों को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। चंद्रबिंदु को अनुनासिक के नाम से भी जाना जाता है, जो स्वरों के उच्चारण के में मुख के साथ साथ नासिका की सहायता भी लेनी पड़ती है, उसे चंद्रबिंदु या अनुनासिक वर्ण शब्द कहते हैं। यहाँ पे आपको समझाया मैंने अनुस्वार। अनुस्वार कहता है कैसा होता है? एक बिंदु जो कि वर्ण के ऊपर लगता है, और चंद्रबिंदु देखो मैंने यहाँ चांद जैसा बनाया एक, और उसके अंदर बिंदी, इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। तो आपको ठीक से समझ के ये दोनों आपको कॉपी के अंदर करना है, अनुस्वार और चंद्रबिंदु। धन्यवाद।